a South Asian Canadian channel. यूनिवर्सिटी च चांसलर की नियुक्ति लै के राजपाल मान सरकार विचाले टकराव जा रही है। दोहां विचकार चिट्ठियां दा आदान प्रदान पूरे जोरां ते है। इस दे नाल ही एक दूजे खिलाफ बयानबाजी भी जा रही है। इस मुद्दे ते अज पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि मान सरकार ने पत्र राही दोष लाया कि राजपाल पंजाब सरकार दे कम्मां च दखल अंदाजी दे रही है। पंजाब सरकार ने उपरों कारवाई होण दा भी दोष लाया। राजपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी चांसलर दी विशेष भूमिका हुंदी है ते उनां नूं हर गतिविधि बारे जाणू होना जरूरी है। इस दे नाल ही होर की कहना राजपाल दा आओ सुनदे आं। चार्जेस लगाए हैं, नाराज हैं, चार्जेस लगाए गए हैं कि गवर्नर इंटरफेयर कर रहे हैं और इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, ऐसा उनका समझ है। पर इसमें गवर्नर के यहाँ पर दो रोल हैं, ऐसे गवर्नर ड्यूटीज अलग हैं। गवर्नर इज वाइस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, तो ऐसे वाइस चांसलर गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर वाइस चांसलर नहीं, सॉरी चांसलर, स्लिप ऑफ टंग, आई पार्डन, चांसलर करेक्ट। चांसलर का रोल और गवर्नर का रोल अलग अलग है, दोनों में एक काफ़ी फर्क है। ऐसे चांसलर यूनिवर्सिटी की गाइड करना, यूनिवर्सिटी का सब काम करना, ये चांसलर का काम होता है। बल्कि यदि देखा जाए जजमेंट भी आए हुए हैं, वो जजमेंट के हिसाब से तो जजमेंट ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी के वर्किंग में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मतलब ये काम यूनिवर्सिटी का, चांसलर यूनिवर्सिटी, ऐसा है। अब हम जहाँ गवर्नर बन के आए तो करीब करीब एक साल हो गया। हमने कहा कि ये यूनिवर्सिटियों का क्या हो रहा, आएगी पहले यूनिवर्सिटी वगैरह की, पंजाब अपना ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की फाइल, मतलब दो बार डेट है आई है। एक तो हमारे पहले के गवर्नर साहब के पास आई थी, जब वो वाइस चांसलर थे, उनके पास इसलिए गई थी कि अनिरुद्ध तिवारी हैं आईएएस ऑफिसर, उनको चार्ज देना चाहिए। उसके लिए फाइल आई थी और उस समय एज ए वाइस चांसलर उन्होंने अप्रूव किया, चेंज है वो कि आप चार्ज दे सकते हो एज ए चांसलर। ही गवर्नर का रोल नहीं रहता है यूनिवर्सिटी में, वन थिंग, एज ए चांसलर का ही रोल है। फिर चौदह दस को आई, उन्हें चार्ज दिया जाए सरबीत सिंह जी को, वो भी अप्रूव किया। फिर तीसरी फाइल आई, तीसरी बार आई, नहीं नहीं
दोबारा आई थी 14-10 को चार टू डीके तिवारी आईएएस इनको देने का, तीसरी बार आई सर्वजीत सिंह को, उनको चार्ज देने का, तो वो भी हमने अप्रूव किया। हमारा क्वेश्चन किया गया, पूछा हमने हमारे सेक्रेटरी को, भाई ये क्या प्रोसेस शुरू होना चाहिए ना, ऐसे चार्ज कब तक के देते रहेंगे? एनीवे मतलब हम सॉरी सर, आपने क्वेश्चन किया कि चार्ज कब तक देते रहेंगे जी? डीडी क्वेश्चन है पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट ने फाइलें भेजी और हमसे रिक्वेस्ट किया, लेटर भेजा कि आप इनका ये करिए एक्सटेंशन। जी जी सर, समझ गए ना? तो तीन बार ये क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू गिविंग चार्ज, गिविंग द टेंपरेरी चार्ज। आई विल टॉक, यूनिवर्सिटीज का क्यों नहीं आ रहा है, मैं आई वाज बेफर ऑन द कंट्री। तो इसके बाद में तीन बार मतलब एक्सटेंशन के लिए चांसलर के पास फाइल आती है, तीन बार एक्सटेंशन के लिए, और फाइनल जब अपॉइंटमेंट आता है उसकी जरूरत नहीं है। यदि चांसलर का कोई रोल ही नहीं है तो ये फाइल तीन बार कैसे आई, फिर चौथी बार कितनी आई? अपॉइंटमेंट में रोल नहीं है, एक्सटेंशन में रोल है। This is number one issue. A South Asian Canadian channel.